जी लकड़हारे जी, पेड़ से जरा नीचे उतर के आइए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुझे कोई काम है मुझसे? बहुत जरूरी काम है। अगर तुझे कोई काम है तो एक काम कर, तू ही पेड़ के ऊपर चढ़ के आ जा ऊपर। लेकिन मुझे पेड़ पे चढ़ना नहीं आता लकड़हारे जी। तुझे पेड़ पे चढ़ना नहीं आता तो किसी से सीख ले। तो अब सीखूंगी किसी से, कितने दिन में चढ़ना आएगा जब आप मुझसे बात करोगे? ऐसे तो मैं शाम तक यहीं बैठी हूँ, जब उतरोगे तब बात कर लूंगी। तो फिर यहीं से बता दे क्या बात है। नीचे आइए, आमने सामने से पास बैठ के बात करूंगी। अब दादा आजकल महिलाएं ने आरक्षण भी ज्यादा है और इनकी चले पिले भी ज्यादा है। एक मिनट में मुकदमों कायम होए और अब तो एक कानून और बनने जा रहा है कि अगर महिला कोई रिपोर्ट करती है तो उसमें गिरफ्तारी पहले होगी, बाद में जांच होगी, इसलिए आना ही पड़ेगा। जी बता, अब तो पेड़ से नीचे भी आ गया, क्या बात है? क्यों परेशान कर रही है? क्यों तंग कर रही है? ऐसी गर्मी में क्यों हांड फिर रही है? क्या बात है? लकड़हारे जी नमस्ते। बड़ी मीठी बोल है या नमस्ते है तो तू पेड़ के ऊपर ही जब हम चढ़ रहे जब ही कर देती। अब कर दी तो अब कोई गलती कर दी क्या? हाँ चल नमस्ते, खूब लंबी आयु हो तेरी लकड़हारे जी, तेरा धन परिवार बढ़े, तो पे बालक बच्चे हो 10-20। 10-20 की मत कहो, ये तो कुछ ज्यादा हो जाए। ये बड़ी बूढ़ी के करे दूधन नहाओ पूतन फलो। वो तो ठीक है, पर इतने भी पूतन मत फलो जो लाइन ही लगी चली जाए। इतने देखो मेरा इतना ब्योत नहीं है। अच्छा हाँ जी लकड़हारे जी, मैं सारी दुनिया में घूम ली, बड़ी परेशान हूँ, बहुत बॉदरेशन में हूँ, बड़ी टेंशन में हूँ। आज तक मुझे इस दुनिया में कोई अपने योग्य वर नहीं मिला, ऐसा लड़का नहीं मिला जिससे मैं शादी कर लूं। और आज मुझे एक आशा की किरण दिखाई दी है। हाँ तुझे कोई लड़का नहीं मिला ना? इसका मतलब अभी तेरा ऊकना फूकना नहीं हुआ ना? अभी वैसे ही डांडी मारती फिर रही है? हाँ मतलब मतलब तेरा ब्याह सगाई वगैरह वगैरह कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी। तो जा अब होगो भी ना। ऐसे मत कहो, इतने बुरे तो मत बोलो। रंडवी मरेगी रंडवी। नहीं मरूंगी, पूछो क्यों? जिसकी मुझे तलाश थी वो तलाश आज मेरी खत्म हो गई है। अच्छा, क्योंकि मैंने जब से और जितनी देर से तुम्हें देखा है, आपकी सूरत मैंने जब से देखी है, तेरे जितना मलूक तो मैंने कोई नहीं देखा आज तक दुनिया में। मेरा तो दिल आ गया तेरे ऊपर और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बोल करेगा या नहीं, यस या नो, मैं फाइनल जवाब दे अभी। पहले तो उधर माइक के दोहरे जाके बात कर दूर से। ऐसे ही करूंगी। यू गोपी पर मैं तो भूत पड़े हुआ। मतलब ये भी कोई बात है कि हाँ और ना में जवाब दे और ये कर वो कर? हाँ क्योंकि मुझे शादी से नफरत है, मैं शादी नहीं करना चाहता। लेकिन तुझे शादी करनी पड़ेगी क्योंकि तू मुझे पसंद है। तू कोई बहुत बड़े बाप की बेटी है जो जबरदस्ती ब्याह करेगी? जबरदस्ती तो नहीं करूंगी लेकिन बड़े बाप की तो। कभी कभी दादा जबरदस्ती भी करना पड़ जाए। एक आधे से मिनट को समय दो तो एक चुटकला सुनाऊं? तो आधे से मिनट में आपका भरपूर मनोरंजन करूंगा, जब तक चाहोगे। एक चुटकला याद आ गया कह दूं। जैसे यू जबरदस्ती कर रही है ना, एक बार क्या हुयो दादी, एक छोरा भैंस चराए करो, अनपढ़ो बिचारो, बाबा पे एक ही छोरा और वाने बिचारे ने रडापो भी छोरा पे काटो क्योंकि वह की बहु बचपन में मर गई। अब छोरा वह गो 30-35 साल को, बाबा रोज यो के बेटा मैं अपने हाथ रोटी पे हूँ ब्याह करवा ले, और छोरा कूद के दूर पर ना करवा रो ना करवा रो ना कर रो। 35 साल को छोरा हुआ, 35 से पीछे फिर बुढ़ापो ही शुरू है जाए। बाबा ने कही भाई जिंदगी यो ही गई, पहले तो बहु रांड कर की जवानी पर मैं, अब छोरा ब्याह ना कर रो। एक दिन कहा हो पुलिस आई गांव में, जैसे त्यारो दरोगा आयो कठूमर को,
और दरोगा तरह तरह के लोगों ने समझा रहा भाई लरियो भिरियो मत, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो मुंह बताइयो। वह बूढ़े ने कही क्यों भैया दरोगा, हमारी परेशानी भी दूर कर सके? बोले दादा कर दूंगो। बोले तो हमारो छोरा ब्याह ना करवा रो बता। दरोगा ने कही कहा है तेरा छोरा? बोल फलाने के खेतन पे भैंस चरा रहो गो। दरोगा खेतन पे गयो, दरोगा ने देखो कि यू ही भैंस चरा रहो, पांच सात बढ़िया भैंस है। मान कही क्यों रे ओ छोरा कुमार? हाँ जी यूके तू फलाने को ये यूके? हाँ जी यूके। तो ये फलाने की ज्वार में भैंस कैसे दे रखी है तेने? यूके जी गलती भैगी, यूके गलती नहीं, चल थाने में चलना पड़ेगा। अब छोरा कहां पे थाने के नाम? यूके दरोगा जी, दरोगा जी थाने में मत ले चलो, मारोगे? यूके हाँ मारूंगा। कि कैसे बच सकूं? दरोगा ने कही एक ही तरीका ते बच सके, तेने फलाने की ज्वार में भैंस नहीं है, अगर तू ब्याह करवा ले तो बच सके, नहीं तो पिटेगो भी और जेल भी जाएगा। वह छोरा ने कही कोई बात ना जी, मैं ब्याह कर लूंगा पर जेल मत भेजो, थाने में मत ले चलो। दरोगा ने जाके बाबा ते कही कि अपने छोरा के छोरी देख ले तैयार है। अब बाबा के इतबित्ते कह रहा कि वह ने कही फलाने थे हमारे जगराम जैसे थे, कही नंबरदार करवा दे, करवा देंगे। वह ने झट रिश्तों करवा दियो। अब छोरा ग्वारियाओ दूल्हे बन के सेरा बांध के जब ब्याहने के गयो, फेरेन पे बैठ गो पंडित जी ने 10-20 मंत्र बोले। पंडित जी बोले साहब लाली भी लियाओ। जब लाली लिया तो छोरा के भी मेहंदी लग रही और लाली के भी मेहंदी लग रही। पंडित जी मंत्र बोल रहा और जब छोरा कह रहा छोरी ते यो कह रहा ए बीवी तेरी भी भैंस ज्वार में चली गई जो तो जबरदस्ती ब्याह करना पड़ रहा, तो तेरी भैंस ज्वार में चली गई है जो तू जबरदस्ती भैंस हम ते ब्याह करे, हम ना करना चाह रहे लेकिन मैं करना चाह रही हूँ और करनी पड़ेगी आपको। भाई यूं तो हद ही कर दी। हाँ, इतनी गर्मी में अब तो वैसे भी देव सो रहे हैं। दहेज में एसी लेके आऊंगी, गर्मी में नहीं मरने दूंगी तुझे। एसी? हाँ। मुझे एसी की भी कोई जरूरत नहीं, फिर भी कुछ कहना। मुंह दिखाई आनी शुरू हो गई है। हमारे बड़े ही आदरणीय चौधरी जगराम जी दुगेड़ी से जिनका स्नेह आशीर्वाद प्यार दुलार जो है उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। आज अपने इलाके में 500 रुपए का इनाम दे करके मेरी टीम का मान सम्मान करते हैं, जोरदार तालियां बजा करके आदरणीय बाबूजी चौधरी जगराम सिंह जी दुघेड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ले मुंह दिखाई आगे तो और कहे अपनी बात। सुनो मेरी बात, शादी तो हो ना हो ये अलग बात है पर छोरी हाँ जी तू तो गावे बहुत जोर का है। अच्छा शुक्रिया, सुनो मेरी बात। अरे क्यों खोबे है टेम चली जा हम लकड़ी का तने आले, क्यों खोबे है टेम चली जा हम लकड़ी का तने आले।
नजरे मिलन की ही बाट बाट में जनी हान हो लई मने। जाल गेरना चाहवे कुछ जाल गेरना चाहवे न्यो कती जान हो लई मने। शादी कर ले तेरे मरद की आन कान हो लई मने। शादी बिन रंडवा हांडन की कुर्बान हो लई मने। मेरा शादी बिन रंडवा हांडन की कुर्बान हो लई मने। देखू रोज तेरे जैसे मतलब ने आने यारे तू खोवे लटे में चली जा या को तो होगा होगा ये मेरे बाद करेगी। कहाँ करेगी तेरे बाद? ब्याह। अच्छा ब्याह करेगी। हाँ या नहीं शर्त लगा रखी है तेरे बाद करेगी? हाँ जब भी करे करे ना भी करे इसकी तो दोनों ही बात है। एक काम कर तू पहले जी तेरो तो होनो ना है अब। क्यों? पर अगर तेरी यू बहन करना चाह रही हो तो या को मैं आज ही बैठवा दूंगा जुगाड़ ही। इसका नहीं करवाना आज ही। बता छोरी मेरा तो है ना रहा तू बता। नहीं पहले आप करवा लो। कही थी ना मैंने बहुत संस्कारी है। शर्मारी है वैसे या के मन में है कि आज बेर के में वह जाए तो कोई बात। हाँ और क्या ऐसा ऐसा तो गांव ही नहीं है ना दुनिया में ना बेर के जैसे लड़के कहीं दुनिया में। बेर के में रोज बेर खाए करेगी रोज। अच्छा लकड़हारे जी मेरी बात मानो आप भी फायदे में रहोगे और मैं भी। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती है ब्याह करना चाहती है जी तो पहले कुछ मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। पूछिए सुन ले कहिए। तू तो कौन कहां कौन कहाँ की रहने वाली नहीं। बता कहाँ घर काम तेरा। मगध फिर मगध देश में रहा करूं सू सावत्री से नाम मेरा। सावत्री जी राजा सुपति की छोरी सावत्री जी। तू राजा की छोरी है जी प्राणनाथ। अब ब्याना है सके साथ अब क्या हो गया भाई। देखो पंच पटेलो तुम बताइयो यू इतने बड़े बाप की छोरी है और मैं गरीब बालक मान लियो ब्याह कर लूं जाते यू तो साल छह महीना अपनो काम निकाल के फेर भगा देगी। हम तो फेर रडुआ के रडुआ। मैं ऐसी जुबान की कच्ची नहीं हूँ जो बार बार ऐसे पति शादी करूं पति बनाऊं और छोड़ के भाग जाऊं। मैं अच्छी लड़की हूँ अच्छे खानदान की लड़की हूँ। तुझे पता नहीं है दुनिया की कहावत मैं उनमें से हूँ कि भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। ना 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 मोए तो तू पाकिस्तानी सीमा हैदर सी लग रही है। अरे रोक खा ले लप्पू से सचिन रोक खा ले। मैं बता रही हूँ बहुत खुश रहोगे दिन रात तेरी सेवा करूंगी तेरी सेवा में लीन हो जाऊंगी पगले। शादी के लिए हाँ कर मोटा भी कर देगी। हाँ मोटा कर दूंगी इसको
पहले तो दादी बुरो मानने की बात ना, हर एक लुगाई जो ही कहे सेवा करूंगी, तेरे पैर दबाऊंगी, मोटो कर दूंगी, तेरे पैर दबाऊंगी। ये जितने भी शादी शुदा बैठे हैं ये सब पहलवान हैं, ये ब्याह के ही मारे बैठे, इनके बीमारी कोई ना, मतलब ये दुखी हैं। हाँ सब दुखी हैं। एक बार नजर कर लो, यू तेरी बहन यही मार तो ना करवा। अच्छा, शादी करवा के कौन कौन दुखी है, हाथ उठाइय। सब दुखी है, एक बगल ते जहर कर, कोई सो हाथ ना उठा रहा दे। सब दुखी हैं, कछन की बेटी होगी डर के मारना हाथ खड़े कर रहे। बबली सिंह, बबली सिंह मंगलाल जाटव, आपके लिए बबली सिंह मंगलाल यादव आपके लिए दे रहे हैं 20। उतर जा नीचे, शुक्रिया। एक काम कर, या देख ले, या देख ले, थोड़ा बढ़िया। हाँ बढ़िया है, कोई कमी ना पता हो, इससे तो बेहतर मैं मर जाऊं ना तो भी ठीक है, पर इसे नहीं देखूंगी। तू कौन कहां की रहने वाली, बता कहां घर काम तेरा, मगध देश में रहा करूं सो सावित्री से नाम मेरा, पिया पान में हांडने का भला सावित्री के काम तेरा, जोड़ी कावर मिला नहीं छुट गया ऐश आराम मेरा, जोड़ी कावर मिला नहीं न्यू छुट गया ऐश आराम मेरा, तेरी आप इसकी प्यार जहर हो, तेरी आप इसकी प्यार जहर हो, मरिया करे चाटन आले, आशिक काले नाग जहर पतने आले, तू को वह तेम चली जा बन लकड़ी काटने आले। शरीर एक दिल कट जा मरहम लोटे में, राजपाट आनंद छोड़ के क्या फायदा दुख मोटे में, गैल लाकड़ी ढोलूंगी त्यू साथ नफे और पोटे में, मेरी पतली पतली कमर चरब आ जागी, ज्यादा वजन भरोटे में, मेरी पतली कमर चरब आ जागी, ज्यादा वजन भरोटे में, दुख की परवाह नहीं वीर ने हो, दुख की परवाह नहीं वीर ने बालम रंग छाटड़े आड़े, अपने आप क्या हम अपने आप गरीब बता, किस किस के दुख बांटने आड़े, दुख बहते में चली जा हम लकड़ी काटने आड़े, दुख बहते में चली जा हम लकड़ी काटने आड़े, के हैं जीने खाड़े हुया करे, यह करवाए बिना गाबरू ऊत लुंगाड़े हुया करे।
सूदो आदमी है, बढ़िया भोलो आदमी है, भोलो आदमी बैठ नहीं बैठ आ जाते नहीं बैठ घर में जाइए जो बता। हाँ जी सांझ के ले ले थोड़ी सी सी अभी टू फेस सांझ के ना सुबह सुबह ही ले ले। का नाम है तेरा? पवन सिंह बबली बबली तेरे बबली दादा ना तू बैठ 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 यहीं बैठ यहीं बैठ यहीं बैठ कान में बताने का रहो आधी सी मिनट रागनी पूरी करूं आधी सी मिनट एक सूबेदार साहब ना कचना कह दो या को नाम ही बबली नाम ही बबली है ऐसा हो बबली की तरह को एक सूदो सादो छोरा हो और वाकी माँ बुढ़ापे में जवानी में रांड होगी एक बबली बबली हो बबली को ना हो ब्याह जट एक पड़ोसी बूढ़े ते बोली जाए के हे फलाने देखियो हम पे ये की तो बालक है हमारे बबली को ब्याह करवा दे वा ने कही चल करवा दूंगा पर यो बता बहू कैसी चाहिए तो वह बबली की माँ बोली बहू बहू तो मलूक चाहिए गोरी चिट्ठी बढ़िया पढ़ी लिखी गौरव जैसी हाँ ऐसी चाहिए बिल्कुल मलूक बबली के नहीं है ना चिंता मत करो तू बबली तो वैसे अब बूढ़ो न्यो बोलो न्यो कह रहा हूं उतराड तेरो यू बबली कारो किसिट दोहता है ते शाम तक दारू पीबे या के पढ़ी लिखी बहू आवे वन की हो बेशक हमारो छोरा शाम रो है पर 80 बीघे जमीन करवा दे जट्टू बूढ़ो इतनो करंट को वान है दादा बबली को ब्याह करवा दियो जी बहन जी इधर बता जब बबली को ब्याह करवा दियो ताई और भगवान के करने ऐसे हुए बबली के बढ़िया पढ़ी लिखी बहू आई बढ़िया पढ़ी लिखी बहू आई पर एक बात बनी ऐसी एक साल भैगो बबली की और बबली की बहू की ना हुई राम राम भी आपस में समझ गए कि ना समझे हाँ सबरे समझदार बैठे हो जब बहू की और छोरा की राम राम भी ना हुई तो एक दिन बहू आयो गुस्सा और बहू बबली दे तो कचके है ना अपनी बुढ़िया ते सास ते बोली यूं बोली सास माँ तू मेरी छाती पे धरी रहे कोई दो चार छेदना के अपने पीहर के चली जाएगा झट बुढ़िया समझ गई बात है वान कही बेटी मैं तो आज ही चली जाऊंगी पर एक काम करियो मेरे छोरे की सेवा करियो ए बड़ा भोलो है अब मन मन में यूं बोली तू जा तो सही है तीन दिन में पहलवान बना दूंगी झट बुढ़िया चली गई अब पीछे ते जैसे ही घर में बहू को राज हो पनीर की सब्जी बनाई दादा बढ़िया छौंक के मारे छौंक खींच के पनीर की सब्जी एक कटोरा भर के इतना बड़ा बबली के नैया और रोटी सेकने के तैयार हुई अब बबली ये देखे तो बबली ना दिखे कहीं भी बबली वह बूढ़े के नारो हुक्का पी रोजाने ब्याह करवायो पौरी में ते आवाज लगा रही यूं के आ जाओ जी रोटी खा लियो बबली जी रोटी खा लियो ननदी के बीर आ जाओ और बबली हुक्का की घूंट मारे यूं और यूं देख लियो और यूं और बहू माई ना जा झट बबली को हाथ पकड़ लियो बहू ने आके वन की चल रोटी खा ले अब बहू आगे के खींचे और छोरा पीछे के खींचे यूं का ना जाऊं ना माना है डर लगे ना 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 यूं करे और रोवे बहू बोली तू चिंता मत कर तेरी माँ ना है तो बालकन की माँ तो है तू चल घबरावे मत जट लेगी और माचे पे बैठार दियो बबली इतना बड़ो कटोरा पनीर की सब्जी को और ताती ताती रोटी दादा चूल्हे की और बहू ने इतना लियो लियोनी घ्यो समझ रहे हो लियोनी घ्यो तो ताजा मक्खन हो इतना लियोनी घ्यो लियो क्योंकि सेवा करनी और रोटी की पापड़ी फोड़ के दादा झटवा में भीतर भर दियो और ऊपर तेक बिना चुपरी रोटी धर के झट थारी सरकाय दी वन की लेनन दी के वीरा सेवा शुरू दिन में भी सेवा दोपहर के भी सेवा और सेवा ही सेवा। अब बबली ने कहा काम करो जो नीचे घ्यो की रोटी भर रही रुक जा भाई पानी बारे रुक जा एक मिनट रुक जा एक मिनट रुक जा जो नीचे घ्यो की रोटी भर रही ऊ तो देखी ना और दादा जो बिना चुपरी रोटी ऊपर ऊपर ली वह देख के झट रोमन लगे और किल्ली दे नुकरा लोगो लुट गो ये कोई ब्याह मत करवाइयो बा माँ तो माई हो है और बूढ़ा हुक्का पी रो जाने ब्याह करवायो वाने कही रे बबली का हो यो अरे वन दादा लुट गो कोई ब्याह मत करवाइयो माँ तो माई हो है माँ जब रोटी खवावे
काई दिना देसी घ्यो को चूरमा, काई दिना देसी घ्यो के लड्डू, काई दिना देसी घ्यो को हलवा और काई दिना बनावे खीर। और आज या रांड ने या निकम्बी ने या बेसहूर ने पहली बार रोटी खवाइए और धर्म दे सूखे टिक्कड़ धर दिए, कोई भी हमत करवाइयो किल्ली दे। और बहुआ बड़ी रिस छूटे पर वह बूढ़े ते घूंघट करे बहु, घूंघट करके न्यू बोलियो ओ बबनी के जादो नीचा नीचे देख ले गच्चू गच्चू माल है रोटी के नीचे देख ले। पर बबली ये दिखे ही ना, बबली तो न्यू हर और ना न्यू बबली ये दिखे ना। जब किल्ली दे कोई भी हमत करवाइयो झट बहु आयो दादी गुस्सा और पकड़ के बबली को हाथ और उंगरिया आगे के करके न्यू बोलियो देख ए चूरायो माल। अब जैसे ही उंगरिया वाल लियोनी घो में गई और छोरा ने बाहर निकारी उ ऐसी हैगी जैसे कुल्फी घोलत गोनावा के ऐसी हैगी जैसे कुल्फी। अब तो बबली वाय देख के हंसेर वाय चाटे न्यू करे हंसे। वह बूढ़े ने कही रे बबली अब के का हुयो। जब बबली ने कही वन की बात दादा बताने में गलती होगी। दादा ने कही कैसे? बबली बोलो दादा सुन, माँ तो माँ होई है पर धर्म ते बहु भी माई हो ने सेवा करे आज पता चली। हाँ तो बस सूदो आदमी है बबली, मोते भी तू माई कहे ना बबली कहे वो। जन्म कैद हो जीने खाड़े हुया करे, ब्याह करवाए बिना गाबरू ऊत लुंगाड़े हुया करे। घर पासे ते कुटम फैल जा चिट्टू मिट्टू टीनू बीनू रीनू हीनू जीनू बीनू। बस ऑपरेशन इतने बस की ना है, कम बच्चे हर महीने हर महीने या हर साल पागल है तू। और अब बता चार साल में एक बच्चा, चार में और क्या, आठ साल में दो बच्चे फिर खत्म मामला। चार साल में एक बालक। हाँ दादा आज के युग में ऐसा संभव है? भगवान राम 14 साल के बन के गए अपनी पत्नी के संग, कितने दिन गए 14 साल, और जब वापस लौट के आए तीन आदमी गए राम लक्ष्मण सीता, और कितने लौट के आए तीन ही लौट आए। लौट आए कि ना लौट आए? 14 साल रहे अपनी पत्नी के साथ पर तीन ही वापस लौट आए। आज तुम अपने छोरा भेद्यो बहू के संग 14 साल के नहीं, 14 ही बालक लेके आवे वो अपने संग 14 साल में। वो कह रही है चार साल में ये और क्या, नौमो दसमो महीना बड़ी मुश्किल की ढोलक बारो देख रही है। चार साल साढ़े चार साल हुए तीन बालक है, तीन है तब तो मैं हैगी इतनी हिम्मत जितनी वहां में। और सुन अभी आगे तो सुन, तीन बालक तो है हाँ। और चौथा बालक जो कह रहा ला 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 आने वाला मेहमान है। हाँ अच्छा जी सुन लो मेरी बात, मेट्रो ट्रेन की स्पीड से चल रहे हैं लोग भाग आजकल। जिनकी शादी नहीं होती ना उन्हें कोई अपने घर में घुसने नहीं देता। सबसे ज्यादा इज्जत रंडुआ की होती है, इतनी सी भी इज्जत ना रहे वे। तेरी तरह की रोज जो के फलाने आज फलानी सब्जी बनी हाँ, और क्या तेरे जैसों के लिए रंडुओं के लिए ही तो तैयार बैठी रहती हैं औरतें। ऐसी सब्जी बनी कोई नहीं पूछना भगा देते हैं कि भगाओ इसे। ऐसी ऐसी थारी में ले लो जो के लाला जी खा लो, लाला जी खा लो, शादी कर ले फायदे में रहेगा। बोल क्या कहना चाह रहा है? घर पासे ते कुटम फैल जा कने पवाड़े हुया करे। जिस घर में बालक वीर नहीं वो भाग के मारे हुया करे। जिस घर में बालक वीर नहीं वो जगत में लाखों हैं आने आने। तू खो बहने में चली जा
पटने आड़े।